ऑलराइट गाइस, सो जैसे कि आप लोग ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि हमें एक बहुत बहुत बड़ी फीमेल पाइथन रेस्क्यू हो गई थी और वो फीमेल पाइथन के एग्स हमें भी मिले थे, तो उन एग्स का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। What is up, crazy people out there? This is Abhirup. Welcome to the vlog. तो आज का vlog आप लोग ने देखा recap के अंदर क्या क्या सीन है, तो आज अपने पास एक या दो या तीन नहीं बल्कि 15 बेबी पाइथन है। तो वो कैसे हैच आउट हुए, क्या प्रोसेस था, क्या नहीं हुआ, क्या क्या देखने को मिला, ये आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। फॉर श्योर वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ज्यादा क्रेजी वीडियो होने वाली है। एंड लेट्स कंटिन्यू द वीडियो, पीस आउट। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हो, ये जो एक्स थे ये एक दिन पहले थोड़ा से पॉपअप करना चालू हो गए थे और धीरे धीरे एक एक एग से एक एक छोटे छोटे स्नेक का हेड पॉप आउट हो रहा था, और उसमें से भी कुछ एग्स थे जिनके अभी तक हेड प्रॉपरली आउट नहीं हुए थे या वो क्रैक नहीं हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने सब एग्स को इंक्यूबेशन बॉक्स से बाहर निकाल के वापस एक न्यू बॉक्स के अंदर अरेंज किया, और जिन जिन लोग के पॉप आउट हो गए थे उनको हम लोग ने प्रॉपरली एक सिस्टम में एक डब्बे के अंदर अरेंज कर दिया था। ये दो चार एग्स थे जो प्रॉपरली हैच आउट नहीं हुए थे, और हमारा कंसर्न यही था कि ये प्रॉपरली हैच हुए हैं कि नहीं या बेबी सेफ है कि नहीं, तो इसके ही वजह से हम लोग को उन एग्स को कट करना पड़ा। कट करने के बाद जैसे अंडे ठीक है या नहीं है वो हमें, मतलब जो मेन कंसर्न था वो वही था, सो वही डिसाइड कर रहे थे कि किस प्रकार से उन्हें हम कंसर्न करेंगे। डैड से मॉम से थोड़े से टिप्स लेने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि जो चार अंडे आप लेफ्ट में देख सकते हो उनको हम वापस से कट देके आर्टिफिशियली सॉर्ट ऑफ हैच करना चालू करेंगे। बिकॉज बहुत बार क्या हो जाता है कि अगर हम लोग अंडे को प्रॉपरली उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कट नहीं करेंगे तो फिर वो एग्स का इश्यू हो जाता है। बहुत बार जो बेबीज है अंदर वो सफोकेट हो जाते हैं, बहुत बार वो जो कवर रहता है एग का उसको तोड़ नहीं पाते या क्रैक नहीं कर पाते, और इसी के कारण सफोकेशन के वजह से बेबी के अंदर मौत हो सकती है। सो एक एक करके हम लोग ने एग को कट करना शुरू किया, और ये बहुत ज़्यादा फन था करने के लिए, बट उसी के साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है। बिकॉज कौन से एंगल पे काटना है, कितना डीप कट देना है, ये सारी चीज़ें एक पढ़ाई ही है, एक मेथड ही है, तो ऐसा रैंडमली ही एग को कट करना इज़ नॉट एथिकली राइट। बट या बहुत सेफली बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एक एक अंडे चेक कर रहे थे। जितने भी एग्स थे मोस्ट ऑफ देम उनके अंदर थोड़ा सा योग बाकी था, योग इन द सेंस एग के अंदर का जो बेबी है वो अंडे से बाहर निकलने के बाद एक महीने तक कुछ खाएगा नहीं, क्योंकि एग के अंदर का जो योग है आप देख सकते हो येलो येलो कलर का, वो उसके जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्रॉपरली सक कर लेता है, और एक से दो महीने तक वो उस फूड के ऊपर उस योग के ऊपर सस्टेन करता है। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक एग को बहुत प्रिकॉशन से बहुत आराम से क्रैक कर रहे थे, कट कर रहे थे, जस्ट टू मेक श्योर दैट द बेबीज आर ऑल राइट एंड दे आर डूइंग ऑल वेल। Watching these beauties taking their first breath in my hand was very, very, very adorable. It was one of my dream to, you know, hatch python babies. Because बहुत सारे eggs हम लोग ने अभी तक hatch किए हैं, हम लोग ने cobras की eggs को hatch किया है artificially incubate करके, rat snakes को किया है, but python के अंदर थोड़ा सा scene अलग हो जाता है, थोड़ा सा system अलग हो जाता है, because the egg size is real big. Secondly, जो एग का आउटर कवरिंग है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। सो बहुत बार नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है कि स्नेक्स, तो जितने भी स्नेक्स रहते हैं उनको एक बर्थ टीथ रहता है राइट, और वो उस बर्थ टीथ से वो एग को क्रैक करते हैं, पर बहुत बार आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन के अंदर ऐसा चीज़ होता है कि वो क्रैक नहीं कर पाते, तो हमें उनको खुद से थोड़ा सा माइन्यूट कट देना पड़ता है जस्ट टू चेक दैट द बेबी इज़ ऑल राइट और नॉट। तो होपफुली जितने भी एग्स थे वो सक्सेस थे, सक्सेसफुली सब सही थे,
दे ऑल वर वेरी फाइन, और उनके वो बैक के बाद जो फर्स्ट ब्रेथ ले रहे थे वॉज वेरी ब्यूटिफुल. लुक एट दिस लिल ब्यूटी. इट वॉज वेरी वेरी फन. मॉम डैड मैं दर्श एनवी भाई बहुत ही इंटेंसफुली इन सबको देख रहे थे, बहुत कॉन्सेंट्रेटेडली ये काम कर रहे थे. सो यू कैन सी द नर्व्स इन साइड हिम. ये जो नर्व्स है इनको भी हमें बहुत डेडिकेटली हैंडल करना था, बिकॉज ये सिचुएशन में बहुत छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती है जिसके ऊपर से वो जो स्नेक है उसकी लाइफ खतरे में आ सकती है. सो या दिस वॉज आई गेस द लास्ट टेक जिसको हम लोग ने कट आउट किया था. एंड द बेबी वॉज ऑल फाइन. आप देख सकते हो अभी भी एक बहुत ट्रांसपेरेंट सी लेयर के अंदर है जिसको मैंने जस्ट ब्रेक किया और उसको उसकी फर्स्ट ब्रेथ लेने दी. इट वॉज रियली ब्यूटिफुल. इसके पीछे बहुत सालों का एक्सपीरियंस, बहुत सालों की पढ़ाई थी, बहुत सालों का छोटा मोटा रिसर्च था. सो या इस तरीके से मैंने उसका ऊपर का जो स्लाइमी लेयर था वो हटाया और अब भी वो उसकी ज़िंदगी की फर्स्ट वेरी फर्स्ट ब्रेथ लेगा. वेरी ब्यूटिफुल. ही वॉज अ लिल कन्फ्यूज्ड कि क्या हो रहा है यार भाई मेरे साथ, ये सब कौन लोग हैं. बट पैदा होने के बाद सबसे पहला चेहरा इसने मेरा देखा एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड. तो ये जो तीन एक्स थे वो अनफर्टाइल थे. अनफर्टाइल इन द सेंस अभी पेट के अंदर भी बहुत ज़्यादा, अगर पाइथन को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्नेक को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है और उसके बाद कुछ हार्म हुआ है तो फिर ऐसे सारे अनफर्टाइल एग्स निकलते हैं. बट कोई स्ट्रेस नहीं. सो दे ऑल वर 18 एग्स और उसके अंदर से तीन अनफर्टाइल है और बाकी के 15 एग्स जो है वो प्रॉपरली हेल्दी है और हैच हो गए हैं. सो इनको और एक दिन जाएगा और 24 आवर्स जाएगा, इसके अंदर का जो योक है वो लोग की बॉडी पूरा सक कर लेगी एंड वंस दे डिड दैट वो लोग खुद से एग के बाहर आ जाएंगे. लुक एट दिस ब्यूटीफुल गाय टेकिंग हिज फर्स्ट ब्रेथ ऑफ द लाइफ. ब्यूटीफुल. तो देखो तो बाहर आके बैठा है. ये तो इजी छूट गया ये. तो जब भी एक सांप जब भी अंडे से बाहर आ जाते हैं तभी वो टाइम से वो लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं, खुद का खाना खुद ढूंढेंगे, खुद का रक्षण खुद करेंगे. तो यहाँ नेचर से हमें हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. तो इस सिचुएशन में हमें सीखने को मिलता है कि इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है. अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, अगर आप खुद की ख्याल नहीं रख पाओगे आज की तारीख में तो आप सक्सीड नहीं कर पाओगे, सक्सीड से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे. ऑलराइट गाइस, तो 24 आवर्स के बाद सारे बच्चे जो है वो अपने अंडों से बाहर निकल गए हैं और आजा पास में आके देखा. You can see them. ये भी देखो ये अंदर, ये वापस अंदर जाके वापस बाहर से अंदर बैठ गए. So you guys can see them. बहुत beautifully इतने सारे pythons है अभी अपने पास. ये सारे मेरे बच्चे हैं. ये देखो तो ये टोटल 15 पाइथन के बच्चे हैं. ठीक है, then just see them how beautiful and how adorable these guys are. और ये कितने बड़े ऑलरेडी, मतलब कोई इनको बच्चा नहीं बोल पाएगा पर हमारे लिए तो ये बच्चे ही है. सो या दैट्स हाउ दे लुक.
थोड़े से क्रैंकी है, ऐसे नहीं बोलूंगा नहीं है, बट जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुल दे आर। अरे वैसे स्ट्राइक भी करने को कोशिश कर रहे हैं, बट कोई नहीं यार, अभी जाएंगे हम लोग जंगल में बड़े से घर में अपने, सो नो स्ट्रेस, स्ट्रेस आउट नहीं करेंगे, बच्चे लोग को लेके जाएंगे फटाफट अभी फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स अपने लिए रुके हैं, फटाफट जाते हैं, निकलते हैं और इनको अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने घर में वापस से रिलीज कर देते हैं। बहुत ऐसा दुख होने वाला है मेरे को, शायद मैं रो दूंगा ये टाइम, बिकॉज यार कितने स्वीट और अडोरेबल है यार। Just look at them. So yeah, let's just go. देखते हैं क्या सीन है। Bye bye. Peace out. ऑल राइट गाइज, तो हम लोग आ गए हैं अभी फिलहाल रिजर्व लैंड के अंदर। बहुत बारिश हो रही है, मैं ऑलमोस्ट भीग भी गया हूँ। तो सब लोग, सब भाई लोग आए हैं, सब जितने भी मारा के मेंबर्स है हर जगह से आए हैं, और अभी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के लिए रुके हैं क्योंकि उनके साथ ही, उनके विजिलेंस के अंदर ही हमें उनको रिलीज़ करना पड़ता है। तो अभी सब लोग थोड़े से इंटरेक्ट कर रहे हैं बेबीज़ वगैरह के साथ, और थोड़ा चिल कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या सीन है। ऑल राइट गाइस, तो क्या सीन है, देखो फुल सही, एकदम मस्त तरीके से सब लोग चिल कर रहे हैं। प्रनील था उस दिन रेस्क्यू के ऊपर, अच्छा माल है इधर तो देख। और आदर्श था जिसके हाथ में अभी पाइथन्स के बच्चे थोड़े से चिल कर रहे हैं। हाँ, ये है मिस्टर ग्राफर, मिस्टर ग्राफर के सबको फोटो क्रेडिट्स जाने वाले हैं फटाफट फटाफट। तो हम लोग रुके हैं फिलहाल फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के लिए, बहुत ज़्यादा फन होने वाला है गाइज, बहुत क्रेजी वाली वीडियो। आई होप आप सब लोग वीडियो एकदम एंड तक देखो, बिकॉज जो मेन पार्ट है ना वीडियो का वो एंड में है, बिकॉज जब भी वो लोग नेचर में जाएंगे बच्चे लोग सब एक साथ, तो वो जो व्यू रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। तो यस, इसके अंदर ही तो सुकून है, इसके अंदर ही तो हमें क्या बोलते हैं कि एक पीस मिलता है, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। सो यस, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, बहुत मज़ा आने वाली है, इतने सारे बेबीज एक साथ रिलीज होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फन, लाइक दिस इज़ वन ऑफ माय लाइफ एक्सपीरियंस अभी। तो वो भी सब लोग भाई है, मॉम डैड सब लोग साथ है, एनवी भाई भी साथ में है तो फुल मज़ा आने वाला है। सो या लेट्स गो, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो, पीस आउट। ऑल राइट गाइस, तो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स आ गए हैं और हम लोग उनको फाइनली लेके जा रहे हैं इन टू द वाइल्ड। तो देखते हैं कैसा होता है, सब लोग साथ में हैं, आगे मिलते हैं वीडियो में, लेट्स गो। खाली त्याला बेस देऊन द्या, खाली असं, हां तो मग त्याचं हे पकडून घ्या। ब्यूटिफुल, तो पुण्याचं काम आहे। मन नहीं हो रहा है, अंदर से मन रो रहा है, इसको यहीं पे करता हूँ, बहुत रो रहा है मन, बट क्या अभी, दे आर देयर ओन लाइफ, कंजर्वेशन इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट गाइस। वापस मत आ, तो ऐसी तरीके से होते हैं इंडियन रॉक पाइथन्स। जस्ट इमेजिन कि ये जो छोटा सा सांप जो एक फुट का है, हार्डली 12-13 इंचेस का होगा, वो कहीं ना कहीं अपने पूरे लाइफ टाइम में
18 फुट तक बढ़ने वाला है। तो थोड़ा से भारी मन के साथ उनको हम अलविदा कर रहे हैं अभी, और विशिंग देम टू ग्रो दैट बिग, बिकॉज ये ऐसे प्राणी हैं जो बहुत सालों से बहुत एंशियंट एनिमल्स हैं, और इनको कंजर्व करना, मदर नेचर को संभालना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है। तो ये करने का काम हम सबको मिलता है, हम सब ये काम कर रहे हैं, मैं, मेरी फैमिली, सब भाई लोग, वॉलंटियर्स। तो हम लोग बहुत ग्लैड हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और एक्चुअली मदर नेचर के। लेट्स गो, लेट्स चेक कैसे होता है और जल्द से जल्द इसको रिलीज करते हैं। दिस इज़ द लास्ट बेबी ऑफ आर दिस बैच। बहुत मज़ा और बहुत अलग एक्सपीरियंस दिया है इन सब लोगों ने। 15-20 दिन से इन सबका, इनके अंडों का ख्याल रखा, और नाउ इट्स द टाइम। तो जैसे मैं बहुत हमेशा ही बोल रहा हूँ पूरे वीडियो में कि ऐसा मन बहुत भारी हो रहा है छोड़ने को, बट अगेन कंजर्वेशन इज मस्ट। इनको नेचर में रहना, नेचर में सस्टेन करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो हमेशा की तरह हॉबी ओवर कंजर्वेशन, तो इसे हम रिलीज करेंगे एक मस्त पप्पी देके। तो दिस इज़ द एरिया, यहाँ पर इसको लास्ट बेबी को रिलीज करते हैं। रुक जा, वेरी गुड। थोड़ा सा खुद को सेटल करेगा, पहले एरिया का सर्वे करेगा कैसा क्या है, और चले जाएगा। Alright guys, so this was it for the video. I hope आप सभी को वीडियो पसंद आए हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो और पहली टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये आपके लिए है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग डालते हैं वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, एनिमल रिलेटेड, नेचर रिलेटेड कंटेंट। रेस्क्यूज़ हो गए, बहुत 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 सारी क्रेजी स्टफ करते हैं हम लोग इस चैनल के ऊपर। सो मेक श्योर आप अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बहुत फन चीज़ें आगे आने वाली है, बहुत नए नए कोलैब्स भी आने वाले हैं। सो येस, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, फटाफट जाके इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करो, बिकॉज बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे छोटे मोटे अपडेट्स जो है वीडियो के, वो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे। एंड आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ द फन स्टफ जिसको आप मिस करो। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम, दिस इज अभिरूप signing out. Nothing can stop me, I'm all the way.